अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज की इस 5 मिनट की क्लास में हम देखेंगे मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। इसमें हम देखेंगे मेमोरी और मेमोरी की टाइप्स कौन सी होती हैं। पहले हम देखते हैं मेमोरी। मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की तरह होती है मेमोरी, दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू एक्सेस्ड बाय प्रोसेसर एज वेल एज रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। यानी कि इंसानी दिमाग की तरह काम करती है, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, जो प्रोसेसर ने प्रोसेस किया होता है और रिजल्ट को फिर सेव करती है। मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल। ईच सेल और लोकेशन हैज़ यूनिक एड्रेस। यानी कि मेमोरी को छोटे सेल्स में डिवाइड किया जाता है और हर सेल्स का एक यूनिक एड्रेस होता है। कंप्यूटर मेमोरी इज टू बेसिक टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरी की दो बेसिक टाइप्स होती हैं, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें रैम एंड रोम आ जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद उसकी दूसरी टाइप है सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हार्ड ड्राइव और सीडी शामिल हैं। सीडी मीन कॉम्पैक्ट डिस्क। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज वोलाटाइल मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी रोम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यानी कि रैम क्या होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है, और रोम क्या होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल को मज़ीद हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मज़ीद डिस्कस करेंगे। आगे हम टाइप्स ऑफ मेमोरी को एक मज़ीद चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी की टू बेसिक टाइप्स हैं, जिसमें वो हमारे पास वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल आ जाती है। वोलाटाइल मेमोरी में रैम आ जाता है हमारे पास, और नॉन वोलाटाइल में हमारे पास रोम, रीड ओनली मेमोरी। आगे रैम की मज़ीद सब टाइप्स हैं, जिसे डिवाइड करते हैं हम एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम, और डी रैम मीन डायनेमिक रैम। इसमें हम इसके बाद रोम की मज़ीद तीन टाइप्स हैं, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसके बाद दूसरी इसकी टाइप्स है ई पी रोम एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी तीसरी टाइप में आ जाता है हमारे पास EEPROM। EEPROM मीन इलेक्ट्रॉनिकली अरेंजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस 5 मिनट क्लास। लाइक एंड शेयर।